आगे बढ़ते हैं और ईसी के एक्शन के बारे में बात करते हैं। एक नोटिस जो भेजा गया था हेमंत बिस्वा सरमा को, और अब उनकी तरफ से जो रिएक्शन आता हुआ नजर आ रहा है एज फार एज कांग्रेस विदहेल्ड की इन्फॉर्मेशन व्हेन मोहम्मद अकबर एज फार एज वाज देयर कैंडिडेट, और इसी बयान को लेकर अब बताया जा रहा है कि ईसी की तरफ से नोटिस भेजा गया हेमंत बिस्वा सरमा को। इसके बारे में जानकारी आप दे सकते हैं ऐश्वर्या? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस के कई नेता पहुंचे थे जहां पर उन्होंने हेमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करी थी कि उन्होंने कहीं ना कहीं कम्युनल पॉलिटिक्स फिर से शुरू कर दी है और ये एमसीसी के खिलाफ है। उन्होंने जो बयान दिया था कावर्धा कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर, जहां पर उन्होंने कहा कि अगर एक मोहम्मद अकबर को हटाया नहीं गया तो वो 100 अकबर को लेकर आएगा, उसी पर हेमंत शर्मा का आज सुबह जवाब भी आया है। उन्होंने कहा है कि अगर कावर्धा कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात की जाए तो दो मोहम्मद अकबर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, एक बहुजन समाजवादी पार्टी और एक कांग्रेस के टिकट से, और दोनों का नाम मोहम्मद अकबर है। मैं उन मोहम्मद अकबर की बात कर रहा हूं जिस मोहम्मद अकबर की कांग्रेस हेमंत बिस्वा सरमा ने जवाब भी दिया है, शिव्या उसके बारे में जरा बता सकते हैं हमें? जी, तो उन्होंने ट्वीट करके कहा है कांग्रेस हैज विथहेल्ड द मटेरियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ऑनरेबल ईसी दैट मोहम्मद अकबर इज देयर कैंडिडेट फ्रॉम कवर्धा कॉन्स्टिट्यूएंसी, देयरफॉर लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म ऑफ अ कैंडिडेट डज नॉट अमाउंट टू कम्युनल पॉलिटिक्स, कांग्रेस विल हैव टू फेस द लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट रिवीलिंग दिस क्रूशियल फेस फैक्ट इन देयर रिप्रेजेंटेशन, आई हैव फुल फेथ इन द कलेक्शन विजडम ऑफ द ऑनरेबल ईसी। तो क्लियरली अमिता, अब हेमंत बिस्वा सरमा जो है लीगल ऑप्शन अडॉप्ट करेंगे। धन्यवाद आपका शिव्या, ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए टाइम्स नाउ।